नमस्कार दोस्तों, एडवाइज टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो एक अपडेट वीडियो है। इससे पहले मैंने 27 अक्टूबर 2018 को एक वीडियो बनाई थी कि सदाबहार की कटिंग कैसे लगाएं जिससे जल्दी ग्रो हो। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि आप वो कैसे लगाएं इसकी कटिंग, और आज मैं उसकी अपडेट वीडियो बना रहा हूँ 15 नवम्बर को, यानी लगभग 18 से 19 दिन हो गए हैं। 19 दिन हो गए हैं आज, और हमारी जो ये शाखा जो कलम मैंने लगाई थी कटिंग, वो अब ग्रो होने लगी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें नए नए पत्ते निकलने लगे हैं और कुछ फ्लावरिंग की पोजीशन पे आ गए हैं। तो ये तो मैंने ज़मीन पे लगाया था, अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। मैंने एक बोतल में भी एक प्लांट लगाया था। मैंने आपसे बोला था कि कौन सी पहले ग्रो होती है, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कौन सी किस में ज़्यादा ग्रोथ रेट है। मेरे हिसाब से जो मैंने बोतल में लगाया था उसमें मैंने थोड़ा सा गोबर की खाद वगैरह डाल दिया था, तो इसलिए उसमें जल्दी ग्रो हुआ है। बाकी जो मैंने ज़मीन पे लगाया था वो भी अभी ग्रो हो रहा है, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ फूल आने के पोजीशन पे हो गए हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये बीच में 10-15 दिन में इसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी सदाबहार की कटिंग लगाना चाहते हैं तो आसानी से लग जाती है। बस आपको चाहिए सदाबहार की एक छोटी सी या बड़ी, कितनी भी छोटी ब्रांच हो आसानी से लग जाएगी, या कितनी भी बड़ी ब्रांच हो या जड़ वाली हो, कुछ भी हो, अगर उसकी ब्रांच आपके पास है तो आप उसको ज़मीन में लगा दें तो आसानी से लग जाता है, चाहे जितना छोटा भाग हो उसका या फिर चाहे जितना बड़ा भाग हो। आप एक ब्रांच में कई छोटी छोटी कटिंग करके 4-5-6-7 इंच की कटिंग लेके आप लगा सकते हैं। मैंने भी एक प्लांट मैंने दोस्त के यहाँ से लगा था, तो वहाँ से मैंने लाके उसमें बहुत सारे छोटी छोटी कटिंग लगा दी थी, और इसमें छोटे छोटे कई पौधे तैयार हो जाएंगे। तो आप भी आसानी से लगा सकते हैं, और आप इसके बाद में जब ये थोड़ा सा और ग्रो हो जाए उसके बाद में आप अपने, अगर आपके पास पॉट है, गमला है, तो उसमें भी लगा सकते हैं, या फिर आप ज़मीन पर भी इसको लगा के रख सकते हैं। इसमें दोस्तों हर महीने में फ्लावरिंग होती है, इसीलिए इसका नाम सदाबहार है, और इसमें कई कलर के आते हैं फ्लावर। ये मेरा वाला तो एक देसी ही है। तो दोस्तों, इसमें आपको पिंक, वाइट, ब्लू, कई कलर के फ्लावर वाले प्लांट आप ले सकते हैं या उसकी कटिंग लगा सकते हैं। दोस्तों, फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ इसके जो सीड होते हैं इनका मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको सीड से कैसे लगाएं। अभी इसमें जो मैंने लाया था प्लांट, उसी में थोड़े छोटे छोटे सीड निकल रहे थे, सीड वाली फलियाँ उसमें निकल रही थी। तो जब वो बड़ी हो जाएंगी और पक जाएंगी तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा कि इसको सीड से कैसे ग्रो किया जाता है। तो आप दोस्तों इसको चाहे तो आप कटिंग से ग्रो कर दें, या फिर इसको सीड के माध्यम से भी ग्रो किया जा सकता है। तो अभी इसमें फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो रही है। ये मेरा दूसरा वाला प्लांट है जो मैंने पॉट नहीं है, एक प्लास्टिक का है, बोतल में काट के मैंने लगाया था। इसमें मैंने कुछ कंपोस्ट खाद डाली थी, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है और इसमें फ्लावर बहुत सारे निकल रहे हैं। और इसमें नीचे आप देख पा रहे होंगे इसके सीड हैं, सीड वाला पोर्शन है, फलियां हैं इसकी, जिसमें छोटे छोटे सरसों के दाने से भी छोटे इसमें सीड निकलते हैं। तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बस इसी दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको पता चल जाए कि हमारी जो कटिंग है वो सक्सेस हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।